हो जाइएगा, इतना मौका दिए थे ना बात करने के लिए, अब नहीं। अब हम पर थोड़ा सा एहसान कर दीजिए कि चुप हो जाइए, खांसी भी मत, खांसी को अंदर रखिए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो आप लोगों को कराया था मैंने, ठीक है, इसके दो वीडियो बता दिए थे, उस दिन मैप बना करके भी सारा लोकेशन आपको बता रखा था। अब कौन बच्चा हाथ उठा के चाहे बिना हाथ उठाए भी ये बता सकता है कि कितने टाइप के नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में, बताइए, बोलते जाइए। ट्रॉपिकल व्हाट बोलते जाओ, फेल, गलत। आप लाडो क्लास नहीं ली थी आप उस दिन? शाबाश, थैंक यू न लेने के लिए। आप लोग बताइए भाई, आप तो क्लास लिए थे ना? मैं ओ, कितनी बड़ी बात हो गई। ये इट्स नॉट अ डाटा, इट्स नॉट अ डाटा, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेकंड, डाटा का मतलब होता है ना कितना परसेंट कितना क्या, ये सब होता है। इट्स फैक्ट, इट्स फैक्ट और डाटा में ना जमीन आसमान का अंतर। मेरी बात सुनिए, लर्न करना कराना किसको है? आपको मैंने जो मैप बना के दिखाया था उसपे पांचों तरह के अच्छे से बता रखे थे, पूरा का पूरा है ना, बोतल सर पे मार दूंगा, दोबारा बोलना मत, बात मत करना, बोलिए। नहीं देखो, थोड़ा सही बोला, थोड़ा सा खिचड़ी कर दिया। हम तो बताने का ही पैसा लेते हैं, आप लोग याद रखने का ही एहसान करिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने कहां बताया था, जो कि वेस्टर्न घाट में था, वेस्ट बंगाल उड़ीसा बताया था, और पूरा नॉर्थ ईस्ट बताया था। दोबारा मैप नहीं बनाऊंगा, ट्रॉपिकल कोई फायदा नहीं होगा ना उसका मैप। ये सेकेंड टर्म है, बिल्कुल 100% प्योर शुद्ध देसी घी की तरह सेकेंड टर्म का चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर 5। नहीं मैं तो कह रहा हूं आराम से पढ़ो, ध्यान क्या देना है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, हिंदी में किसका किसका है तो उठाइए। हाँ, तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वहां पर होता है जहां सबसे अधिक बारिश होती है। वेस्टर्न घाट मतलब कि जैसे आप अरेबियन सी का जो कोस्ट है हमारा इंडिया का, वहां पर मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि उसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद ईस्टर्न घाट पे थोड़ा सा चलेंगे तो आपको ये मिलेगा तमिलनाडु। वहां पे अभी मैं, आपने न्यूज़पेपर कौन पढ़ा है आज का, न्यूज़पेपर या न्यूज किसने सुना है, हाथ उठाओ किसी ने, बहुत बढ़िया, शाबाश, भगवान आप लोग को अंडा दे दिमाग में। आज ही न्यूज़पेपर में आया होगा कि चेन्नई में बाढ़ की सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन हो गई है। 2015 में, सॉरी 15 ज्यादा पीछे चला है, कुछ साल पहले 17 में चेन्नई में अब तक का सबसे भयानक बाढ़ आया था जिसमें बहुत लोग मर गए थे। चेन्नई शहर में, इतने बड़े शहर में, भारत के चार बड़े शहर है ना महानगर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और बॉम्बे, चेन्नई में। ज्योग्राफिकल फैक्ट यह ये है कि रिटर्निंग मानसून जो होता है, लौटता हुआ मानसून जो होता है, वो केवल तमिलनाडु में ही बारिश कराता है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि ज्योग्राफी मास्टर पढ़ाए बिना मैप बनाए तो कैसे समझ में आए। वी हैव ऑप्शन, हाँ थैंक यू, अरे तुम नहीं भी बोलते तो हम बनाते। कीप क्वाइट, देखो मैंने इंडिया का मैप बना दिया, मैंने आपको उस दिन सारे फॉरेस्ट दिखा दिए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप लोग बुद्धू हैं, तो फिर से देखिए। अगर इस बार कफ हुआ ना तो सीधे इंस्टीट्यूट के बाहर उसको खड़ा करेंगे। सेलिब्रेशन मोड से बाहर आ जाइए आप लोग।
और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई मर भी जाए। अब किसकी आवाज आ रही है, नाम बताइए कल मेरे को उसका। एक बार मैंने नहीं सुना उसके बारे में। खींच रखी है मैंने, इसी का तो बेटा पैसा ले ही लेते हैं। तो जल्दी पूरा मैप बना देने के लिए उस दिन अफसोस हो रहा था, टाइम पूरा हो गया, इसलिए मैं दोबारा है ना मैं बनाने टाइम लगता है। आज कोई भी क्लास अच्छी तरह से नहीं, सब डिस्टर्ब हो गए, क्लास मिस तो रहता ही है, पहले से डिसाइडेड नहीं था क्या पढ़ाना है। कौन बच्चे गप करके मजे ले रहे हैं, अभी तो तुमको मैं सीधे रंगे हाथ तो पकड़ लिया बोलते सजेशन दे रहा हूँ ना आपको। अरे हमको कौन सजेशन देगा, क्या सजेशन, टोटली रिजेक्टेड, मुंह पे बेइज्जती। देखिए छोड़िए हटाइए, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे, 4 करोड़ रुपए दे 1100 रुपए ला के दीजिएगा। बेटे जितना मिल सकता है ना लालच उतने। आंख से खींचना है, रुको ना एक मिनट यार, अभी कर तो दे, अभी बना ही नहीं है ये अधूरा। मैं आपको पता ही गोले गोले कौन क्या कहा है, तो फिर इससे ज्यादा सुंदर आपके बुक में दिया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं वहां क्यों सुंदर है। दो मिनट में बिठाना है मेरे को ये वाला जिसको खींचना है, खींचो। चलो ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाओ। सॉरी आरो, हेलो आरो, हाउ आर यू। चलिए देखिए, हाँ हम साइड है सर, हीरो की पहली बार में। अरे तो टेढ़ा मोड़ के जरिए समझ में नहीं आएगी, सीधा मार देंगे।
सामने से खींच ले भैया के बगल से। हो गया देखिए ये नेचुरल वेजिटेशन है। मैं कुछ भी आपके है ना इससे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सीधे इस मैप से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मैंने उस दिन भी समझाया था और अब लास्ट बार बोल रहे हैं, इसके बाद मत कहिएगा सर जी हमको फैक्ट याद नहीं होता, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा फराटेदार मुक्के के साथ। ट्रॉपिकल सबको ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, आप ये मान के चलो कि पूरा इंडिया आपके बोर्ड पे है, ठीक है ना, और पूरे इंडिया को आप अच्छी तरह समझ रहे हो। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल का कोस्ट है जो कि वेस्टर्न कोस्ट है, भारत के वेस्ट में। अरेबियन सी यहाँ पर आपको पता ही होगा, मैं ये पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूं जबकि सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया था पिछली बार, ठीक है। यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है थोड़ा सा आंध्रा भी नीचे आता है, यहां पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट केवल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़ के, याद रखिएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। बेटे ऐसे बैठोगे तो गुड़िया कैसे दिखेगा, बीच में आ जाना इधर आ जा और सर। कोई बात, सब जगह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं, पहले बात कर ही रखे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां होते हैं जहां 200 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में जहां मैंने ये बनाया यहीं पर बारिश होती है। सीधी सी बात पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए, हाथ नीचे करिए। ये तो छोटी सी बात है, छोटे मोटे चीज हम बात में बताते हैं, छोटे मोटे चीज बताइए। तो पहले इसको इरेज करना पड़ेगा ना लड्डू, मानसून जब तब तक समझा नहीं सकते जब तक बंगाल की खाड़ी में और क्या कहते हैं अरेबियन सी में पूरा पार्किंग खाली नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ये कंटिन्यू करो, बता जानती है गुड़िया अच्छे तरह से, देखो बेटा तो एक है छोटे बच्चे एक तरह से तो दिल्ली की तरह। ये देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको ट्रिक भी सिखा देता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा आप लोग भी सीख। ये जो पूरा है ना ये उत्तराखंड है, जो ये ट्रायंगल निकला हुआ है पूरा उत्तराखंड है। इस ट्रायंगल से जैसे ही सीधे बढ़ोगे ना ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, आने दो जाने हो गया, ये लाइन यहां से ले आओ और इसको ऐसे जहां इंटरसेक्ट करेगा उसी वर्टेक्स पे आपका दिल्ली, ठीक है ना जी। छोटा छोटू बड्डू का बात मत करिए, वो बाद में देखिए, दिल्ली को रहने दीजिए, हम लोग यहीं पे हैं, तब मन समझिए यहाँ बैठे हैं हम वहां चले गए। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपका आज भी क्लास 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है कि यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। बारिश होने का कारण ये है कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे मेघालय स्टेट है, गारो, खासी और जयंतिया तीन माउंटेन, गारो, खासी, जयंतिया, नाम बोलो फिर से, गारो, खासी, जयंती, हो गया, जगह का नाम बताओ, जगह का नाम मेरुराम, मेरुराम मॉनसून नाम वाले ना तेरे पटक पटक के मारेंगे, मेरुराम गारो एक जनजाति है ट्राइबल आदिवासी, खासी दूसरी जनजाति है और जयंतिया तीसरी जनजाति आदिवासी, बिल्कुल इन्हीं जातियों के नाम पे तीन माउंटेन का नाम पड़ा है और इन्हीं माउंटेन या जाति के नाम पे मेघालय में तीन ही डिस्ट्रिक्ट है, गारो, खासी, जयंतिया, तीन ही डिस्ट्रिक्ट भी है। बीच वाली खासी जो आपकी है माउंटेन, वहीं पे मॉनसून राम है नाम का जगह, चेरापूंजी में मॉनसून राम। दुनिया में इस अर्थ पे सबसे अधिक बारिश नहीं होती, इतना ज्यादा बारिश कहीं नहीं होता, पहाड़ है ना बेटा, पहाड़ पे बारिश विखाई पे सब चला गया खत्म, लैंडस्लाइड तो होगी बिल्कुल होती है, लेकिन घने जंगल है, जंगल बहुत घने हैं तो लैंडस्लाइड कम होती है, उतनी नहीं होती। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे सूखे का मतलब कि बारिश होने के बाद भी ना लोगों को पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, बारिश हुई पहाड़ पर से सीधे निकल के नीचे खाई में चली गई। अब जो लोग पहाड़ी पे घर बनता है आपको पता है घाटियों में घर कम बनाते हैं,
मेन तो पहाड़ी पे ही घर बनती है, मैंने पहाड़ियों पे जहां भी होते हैं, खेती बाड़ी होगी तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम ला करके वाटर हार्वेस्टिंग करने का बहुत प्लांट लगा रखा है, जिससे कि पानी की सप्लाई होती है। पहाड़ों के ऊपर कभी भी आप हैंडपंप लगा के पानी नहीं निकाल सकते, पता है ना, जब भी होगा नीचे ग्राउंड से ही पानी जाएगा ऊपर, क्योंकि पहाड़ पे ग्राउंड थोड़ी है, वो तो पत्थर है। बोलिए बेचारे नहीं, बहुत ही अच्छे मेघालय, एक बार चले जाइएगा ना तो मस्त जगह है। नॉलेज अगर चाहिए तो दे दूं मैं, अगर चाहिए तो। मेघालय से एक आईएएस थे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ से बने यहीं पे जॉब करेंगे, ठीक है, होम स्टेट मिला उनको। वो जिस तरह सब लोग अपने पीठ पे पहाड़ पे किस तरह से राशन पानी लेकर के ढोके जाते थे, वो भी उसी तरह का मैंने एग्जांपल सेट कर देते हैं। उनको पता नहीं कितने अवार्ड मिले हैं, राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने इलाके को डेवलप करने के लिए उस आदमी ने जितना काम किया, सोच नहीं सकते। समझ रहे हैं सर? अभी पता आप क्या कर रहे हैं? हाँ ये बात सही, लेकिन मेघालय से रिलेटेड था ना इसलिए बता दूँ, मेघालय पे टिके। विज्ञान खराब था, अधूरा मैं तो देता ही है ना, अधूरा का तो कोई चक्कर नहीं है। मेरे से पढ़ने के बाद है ना आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप लोग खुद दबने लगेंगे उसमें। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू। वो मुझे याद रहता तो बता नहीं देते। पता है क्या है, क्योंकि उसका नाम है ना जो थोड़े मणिपुरी टाइप के, वांग चुंग पुंग पुंग। देखिएगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का खासियत यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, कभी भी इसके लीव्स हमेशा ग्रीन रहेंगे, कभी भी पीले नहीं पड़ते और पत्ते गिरते नहीं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी मैं बताऊंगा, पत्ते गिरते ही है ना, जैसे मतलब कि टूट फूट के गिर जाएंगे लेकिन झड़ते नहीं, जैसे पतझड़ का मौसम होता है ना यहाँ पर, कैसे पत्ते गिर जाते हैं, तो उसे डिंग नहीं होती। इसलिए पेड़ के लिए जरूरी होता है पत्ते। किसने कहा? मेरी बात देखिए, सदाबहार मतलब कि ये जो जंगल है ना, मेरे कहने का मतलब इसके पत्ते जो गिरते भी है ना, जैसे गिरना तो है ही उनका, मतलब ये नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे पतझड़ का मौसम होगा तो क्या होगा, पहाड़ों पे पूरा का पूरा पेड़ है ना बिना पत्तों का हो जाता है, समझ रहे? तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा इसके पूरे पत्ते दिखेंगे आपको, क्योंकि बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर हमेशा सालों भर मिलता है। लेकिन बेटे ग्राउंड जो होता है ना, जो जंगल की जो ग्राउंड है, वहां पर हमेशा पत्ते गिरे हुए मिलेंगे, ठीक है, कीचड़ सा होगा, दलदल हो जाएगा, तो जिससे कि वो सड़ जाते हैं जल्दी। ये सब फालतू ज्ञान था। आगे देखिए, यहाँ पर जो कम जाता तो बेटे सब जगह है, लोग बेरवा तो सब जगह चल जाता, इंडिया में, इंडिया में आया है मोदी जी को ले जाने के लिए। अजय देवगन, कति सड़ू एपिसोड, मन कर रहा था दोनों को जूता मारू, बेर था इसलिए छोड़ दिया मैंने। क्या वो एक प्लास्टिक का डब्बा लिया, उसमें छेद करके मछली पकड़े, क्या यार, मैंने बियर, बियर शादी कर लेंगे, बियर की तरह रहो, पहाड़ से कूद के ना लटक करके मछली पकड़ लो स्टाइल में। देखिए कोई बात नहीं, बियर को खाने दीजिए पूरा। अब देखिए यहाँ पर इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत ये है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो ट्री होती है, किसी भी तरह के जंगल में पाए जाने वाली ट्री से सबसे लंबी ट्री होती है, मतलब सबसे ऊंची। कारण इसका, दुनिया में नहीं बेटे, इस टाइप के जंगल में, दुनिया में इस टाइप के बहुत जगह जंगल पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं पाए जाते, समझ में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतना घना जंगल होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है ना, कि सनलाइट के कंपटीशन के लिए सारे ट्रीज है ना, या जो भी है पेड़, ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो आप ऊपर से देखोगे तो केवल कैनोपी उसकी दिखेगी, कैनोपी मतलब सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है कैनोपी का, वितान, आपको केलो ग्रीन दिखेगा, जमीन दिखेगी नहीं कहीं। लेकिन चिंता मत करिए, इंसान लोगों को ये है ना टैलेंट पता चल गया, जगह जगह खाली कर रहे हैं काट काट जी, तो काट ही रहे ना, जंगल तो कट ही रहे। ये एवरग्रीन समय में इस जंगल में सबसे अधिक बंदर पाए जाते हैं, मंकी की अधिकतर वेराइटी पाई जाती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। और उसका कारण ये है क्योंकि पेड़ों पर रहने पर वही ज्यादा सक्षम, ठीक है। ओके,
ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत में सबसे अधिक, ये जीके का भी क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में या क्वांटिटी में कौन सा जंगल पाया जाता है फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑटम के महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपने देखा होगा आपके जामुन के पेड़ के भी पत्ते गिरने लगते हैं, ठीक है। तो इसके अधिकतर जो लीव्स है वो सेड हो जाती है, गिर जाती है। इस जंगल में बहुत ही कीमती लकड़ी पाई जाती है, सागवान, साल, शीशम, है ना, आम, ये सब जो पेड़ की लकड़ी है, और फलदार वृक्ष भी पाए जाते हैं फ्रूट्स के। उसके बाद अगर तो बेटे दिल्ली में पाया कहां जाता है? दिल्ली किसने बोल दिया कि ट्रॉपिकल डेसिडियस यहां पर है? कहां बचा हुआ कुछ उधर देखिए। मेरी बात अभी ये जो आपको मैप दिख रहा है, ठीक है ना, ये मैप पता नहीं कितने सैकड़ों साल पहले का। मेरी बात सुनिए, अभी दिल्ली पर, दिल्ली का जो बॉर्डर वाला इलाका है वो हरियाणा से आप देख लो या राजस्थान वाला इलाके से देखो, तो हम लोग दिल्ली का भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिनों बाद पूरा दिल्ली, ठीक है। और वो है बेटा, तो यहाँ पर दिल्ली में अब आप ये कह सकते हो कि दिल्ली का जो इलाका है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं एक तरह से। यहाँ नेचुरली जो भी जंगल होगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चांदपुर माजरा दबास जहाँ आरव है उस साइड चले जाओगे तो आपको कैसा जंगल मिलता है? केवल कांटे वाले पूरे कीकड़ के पेड़ मिलेंगे पूरे। मैं बोलू, अगर आप राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे, राष्ट्रपति भवन, तो वहां पे जो रिज लाइन पूरी है ना, जहां भी दिल्ली में आप जंगल देखोगे जो नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल मतलब नेचुरल, आदमी ने नहीं लगाया, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है हमारे प्लॉट में दिख रहा है तो हमने लगाया है ना, नेचुरली यहाँ केवल कांटेदार जंगल पाए जाए नेचुरल, और मोस्टली दिल्ली की बात छोड़ते हैं, पूरा नहीं है ना, मतलब मोस्टली, मतलब यहाँ पर ऐसा ही है, मिट्टी है चाहे जमीन है, लेकिन आपको बता दूं कि इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं है, सेमी डेजर्ट आप कर सकते। दिल्ली राजधानी है बेटा, दिल्ली एक मेगा सिटी है, आप दिल्ली में तो हो ही नहीं, हम लोग दिल्ली में थोड़ी हैं, हम लोग तो बाहर है, समझ रहे हैं ना, दिल्ली मतलब कि आप बुद्ध विहार से उधर से जहां जमीन खेत नहीं देखे वो है दिल्ली, वही दिल्ली होगी ना, ये दिल्ली थोड़ी है। आप वहां से मंगोलपुरी से आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे क्या दिखेगा आपको? कहीं खेत कहीं नहीं दिखेगा, हर जगह बिल्डिंग विल्डिंग, नहीं तो बीच में पार्क, बस ये तो दिखेगा और क्या दिखेगा। तो आप भाग्यशाली हैं, साथ में हमको भी ले लीजिए प्लस में। तो इस जंगल में जितने भी जैसे शेर हैं, शेर तो नहीं, शेर तो यहीं गिर में है, आपको टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, जो भी जानवर है, जितने भी जानवर देखते सब हम क्या दिल्ली में से भाग गया। मेरी शक्ल देख के तो शेर नहीं भागेगा, हम तो रोने लगते हैं देख के उसको। हरियाणा में आपको, इंडिया में हरियाणा उस नंबर पे आता है जहाँ सबसे कम फॉरेस्ट लैंड है, अगर आप पूरा फॉरेस्ट का परसेंटेज देखोगे ना तो हरियाणा में सबसे कम, और मिजोरम में सबसे कम, बिहार में थोड़ा बहुत है। आप तो जानते हो उनको, जमीन, जंगल की जमीन, जंगली जानवर, मतलब देखो ये जो मैप है ना इसमें भी ऐसे आ गया है प्रभाव है, लेकिन इधर यहाँ पर क्या है, जंगलों को साफ करके, अब यहाँ पर बिहार में तो मोस्टली खेती बाड़ी का जमीन साफ कर दिया गया है, इसलिए इस इलाके में वैसा नहीं, समझ रहे हैं। बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ वाल्मीकि नगर भी कहा जाता है, जहां पर अंगुलीमाल डाकू मरा मरा कह के महर्षि वाल्मीकि हो गए, कहानी आप लोगों को सुनाई, तो वो वाल्मीकि नगर में ही शेर और मतलब टाइगर वगैरह पाए जाते हैं, वहां में वो एकमात्र हम लोगों का अभयारण्य नेशनल रिजर्व, नेशनल सेंचुरी एकमात्र बिहार में पश्चिमी चंपारण, क्लियर है। चलिए आइए, अब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ये थॉर्न फॉरेस्ट वो है जहां 50 से सेंटीमीटर या उससे कम बारिश होती है, तो ये पूरा हरियाणा का बहुत ज्यादा इलाका, राजस्थान तो पूरा ले लीजिए, गुजरात का भी इलाका है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये
महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, केरला में आंध्रा, इन समूह का इलाका क्यों? कारण यह है कि इसे मान लो अगर आप मेरे को वेस्टर्न घाट मानते हो, माउंटेन जो कि है अरेबियन सी से मॉइस्चर वाली हवाएं चलती है, वेस्टर्न घाट पे टकराती है, बारिश कराती है, टकरा करके उसके सारे ऊपर उठती है, कंडेंस होती है, क्लाउड बनता है, बारिश होती है। लेकिन बारिश हो जाने के बाद हवा क्या होगी? हल्की हो जाएगी। हल्की होगी तो और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो माउंटेन के सारे फिर उसको नीचे उतरने का रास्ता मिलेगा। पूरी वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जब वो ईस्ट साइड में, मतलब इस माउंटेन की दूसरी साइड उतरती है, तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हवा जैसे जैसे 1 किलोमीटर की हाइट पे जाएगी, तो पर 1 किलोमीटर की हाइट पे एयर का जो टेम्परेचर होता है माइनस, मतलब 6.5 डिग्री माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ठीक है, अब बेटे अगर घट रहा है, अब अगर हाइट से नीचे हवा उतरेगी तो पर 1 किलोमीटर पे उसी रेट से बढ़ने लगेगा, तो हाँ बिल्कुल, तो उतरने के बाद एयर जब नीचे उतरती है दूसरे साइड से तो धीरे धीरे इतना गर्म हो जाती है कि शुष्क हो जाती है, बिल्कुल मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश या ली वॉट साइड कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। एक माउंटेन का जहां पर बारिश होगा उसके अपोजिट साइड में बारिश बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हमारे दिमाग पाई है थोड़ा बहुत, हम भी वही जा रहा था। ये हिमालय आप देख रहे हो ना, हिमालय के हम लोग दक्षिण में, साउथ में, ठीक है, नीचे हिमालय के उस साइड जो तिब्बत है ना, बिल्कुल निर्जन रेगिस्तान है, क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट है, वहां बिल्कुल बारिश, कोई खेती बाड़ी, कोई तरह की वनस्पति, समझ रहे बात आपको? बेचारे तिब्बत वाले हम लोगों से भी तगड़े। मुझे तो पता ही नहीं था यार। चलिए ये समझ में आया, सिक्किम इंडिया की, मारो इसको देशद्रोही को, कह रहा सिक्किम इंडिया का स्टेट है, पागल हो गया है क्या, मार करवाएगा। ये देखो ये मैग्रो, ये जो रंगा हुआ है ना, गंगा का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, दिख रहा है चार डेल्टा। नदी डेल्टा वो होता है, नदी जब समुद्र में आके मिलती है तो अपने साथ मिट्टी गाद लेके आती है और एक बहुत बड़ा मैदान बना लेती है, तो यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट पाया जाता है मैग्रो फॉरेस्ट है। ये कौन सा फॉरेस्ट है? मैग्रो फॉरेस्ट, मैग्रो हिंदी में भी कहते हैं, ज्वारीय वन, सॉरी हिंदी में ज्वारीय कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। आगे देखिए, ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राइट से, हाँ बात खत्म। मैं एक बार है ना आप लोगों को सर्दियों में लौटता हूँ, मानसून बता दूं, उसके बाद खत्म करता हूँ काम। देखिएगा लौटता हूँ मानसून, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने, नवंबर दिसंबर के महीने में सर्दियों में भी बारिश होती है। मानसून पहले क्या होता है, ऐसे जाता है जून जुलाई में, और यहाँ पे सबसे पहले टक्कर होती है उसकी, अभी मत बोलिए प्लीज, मेरे पास 5 मिनट है, कोई क्वेश्चन नहीं, मुंह बंद करिए। बे ऑफ बंगाल से जब हवाएं जून जुलाई में ऊपर जाती हैं, गारो खासी माउंटेन से टकराती हैं और बहुत ज्यादा बारिश कराती है। इतने बड़े बे ऑफ बंगाल से पूरी ज्यादा मॉइस्चर भरी हवाओं लेकर पहली बार टक्कर यहाँ होती है, इसलिए दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है जी, दुनिया में पूरी, पूरे में, हाँ पूरे अर्थ पर सबसे अधिक बारिश यहाँ पर होती है, इस माउंटेन मानसून, खांसी के चेला पूंजी के मानसून नाम। हाँ, अब यहाँ से टकरा के ये हवा नीचे इधर लौटेगी और फिर उत्तर भारत बारिश कराते चले जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेटा यहाँ दिल्ली का है, मैंने बोला नहीं उनका उसमें टकराते अलग अलग टाइम पे होता है, लेकिन जून जुलाई से स्टार्ट हो जाती है बारिश का मौसम। यहाँ बेटा लौटता हुआ मानसून ये है ना, हिमाचल इधर से लौटता है और पहले उत्तर भारत में थोड़ी बहुत बारिश कराता है, लेकिन देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हवाएं तब बारिश कराती है जब कोई माउंटेन उसको टकराने की जगह देता है, यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं मिलता, और फिर ये लौट करके है ना हवाएं इधर आती है, बे ऑफ बंगाल से पूरा मॉइस्चर लेती है। अब इस लैंड पर सर्दियों में सूखा मौसम है, मॉइस्चर है क्या, सर्दियों मॉइस्चर नहीं रहता, तो बिल्कुल सूखी हवा रहती है तो कोई बारिश नहीं, लेकिन जब लौटती है ना तो बे ऑफ बंगाल से
बंगाल की खाड़ी से पूरा मॉइस्चर ले लेती है, और आपको पता होगा सर्दियों में भी साउदर्न इंडिया में तो गर्मी रहती है, तो तमिलनाडु और आंध्रा के यहाँ पे टक्कर होती है उनकी इतनी मॉइस्चर वाली हवाओं का, और यहाँ बारिश होती है। इसको आम्र वर्षा या मैंगो सावर भी कहा जाता है, इसलिए सर्दियों में वहां आम बहुत अच्छे होते हैं तमिलनाडु में। और अभी इसी कारण से अभी तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में बाढ़ आया हुआ, क्योंकि सर्दियों में वहां बारिश होती है जो दिसंबर के लगभग होती है। आप लोग जा सकते हैं।